बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान महत्वपूर्ण बातें कही हैं, साथ ही विपक्ष के प्रदर्शन और इंडिया गठजोड़ की बैठक पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो सबके सामने है, अरे इतने बड़े हार के बाद थोड़ा तो अंदर सोचना चाहिए कि क्यों हार गए। इसे हार नहीं कहते, इसे जनता के द्वारा पिटाई कहते हैं। इसके बावजूद कुछ तो चाल चलन में बदलाव होना चाहिए। अब ठीक है, वो करते हैं तो जिस जगह पर है आप देख रहे हैं, 24 के बाद और चिपट जाएंगे। पार्टी की ओर से मैं यही कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण से हम लोग बहुत एक तरफ निराशा है, हताशा है, अवरोध है, एक तरफ आशा है, विकास है और हिम्मत से काम करने का जरूरत है, ये स्पष्ट लगा। तो हम सभी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का बहुत अभिनंदन करते हैं, उन्होंने जिस तरह का मार्गदर्शन किया। और एक अंतिम बात जो उन्होंने कही कि जो 18 साल के पहले वोटर बनेंगे वो 10 साल से हमें ही देख रहे हैं, विकास इंडिया का, दुनिया में चमकता हुआ व्यक्तित्व, उनको अतीत की जानकारी नहीं है। हम लोग इस बात की चिंता करें कि नए वोटर्स को, जब वोटर्स डे का कार्यक्रम होगा, तो अतीत में इस देश में क्या क्या हुआ और अभी क्या बदलाव हुआ है। तो